एक्शन। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? और आज हमारा दूसरा दिन है धारवा वैली एपिसोड का। आज हम रुके, रात हम रुके थे, कहाँ रुके थे हम? रात हम रुके थे उर्थिंग में, और बहुत ही प्यारी जगह, मतलब होम स्टे वगैरह बहुत अच्छा था जो हमने आपको दिखाया था। रात खाना वगैरह भी यहीं मिला था, बहुत प्यारा अच्छा खाना था, मतलब घर जैसा माहौल था यहाँ पे। और रात में थोड़ी सी दिक्कत ये हुई थी कि बारिश होने लगी थी, तो मेरा थोड़ा हार्ट टाइट था उस समय। मतलब हार्ट टाइट का मतलब कि मुझे थोड़ा डर लग रहा था कहीं हम फंस ना जाएं यहाँ पे। लेकिन सुबह जब उठे तो मौसम बहुत प्यारा है, और मौसम कैसा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी बाहर लेके चलता हूँ आपको, और तब आप बताना कि रात में जो जगह आपने देखी थी और दिन में जो अब मैं जो जगह आपको दिखाने जा रहा हूँ वो उन दोनों में कितना डिफरेंस है। और रात आप वीडियो में देख रहे होंगे थोड़ा हवा वगैरह बहुत तेज चल रहा था, इसलिए रात में हमारी भी थोड़ी ऐसी कंडीशन थी कि हमें भी डर लग रहा था। लेकिन अब सुबह उठे और जब बाहर के मौसम देखा है तो बिल्कुल अब मन नहीं कर रहा वापस जाने का। अब सीधे अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल हमने एक टाइम को तो ये सोच लिया था कि अब रहने देते हैं, घर वापस चलते हैं। लेकिन सुबह जो मौसम खुला है यहाँ पे बारिश होने के बाद, उसके बाद हम पूरा रेडी हैं आगे जाने के लिए और पूरी एक्सप्लोर करेंगे धारवा वैली को। तो अभी मैं चलता हूँ और आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। हम हैं इनका नितिन भाई, जो कि नहा चुके हैं, नहा इसलिए चुके हैं, आज मंगलवार है, हनुमान जी का बार है आज, और बजरंगबली के ये भक्त हैं, हम भी भक्त हैं। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी नहाने की, लेकिन भाई नहा लिया ठंडे पानी से ही, बहुत बढ़िया। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको बाहर। तो बाहर का कुछ ये रही हमारी रज्जो। हेलो गाइस, और साहब ये चेक कीजिए, क्या ही बेहतरीन नज़ारा, सुबह का सनराइज हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे हमारे रज्जो सनराइज को रिकॉर्ड करने के लिए हमने यहाँ पे अपना गोप्रो लगा लिया है। थोड़ा ऐसी जुगाड़ किया है हमने, उसके लिए सॉरी, उसको ध्यान मत देना, बस इस सनराइज के लिए हमने यहाँ पे ये अपना गोप्रो लगा दिया था। बाकी ये सब इधर, यहाँ पे आप होम स्टे वगैरह है आपको, यहाँ आप आराम से रुक सकते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है और बिल्कुल वादियों के बीच में घिरी हुई। ये देखिए, इधर भी वादी, यहाँ भी वादियाँ, इधर भी, और उधर साइड इसके पीछे है ब्लैक नदी, काली नदी, जिसको शारदा नदी भी बोला जाता है, जो ढारचुला और क्या नाम है आप कनकपुर में आपको मिलेगी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओहो, अब मैं आपको ये चेक कराऊंगा। बढ़िया बढ़िया, और यहाँ खड़ी है अपनी टियागो। आंटी जी ने नाश्ता तैयार कर दिया है, अब जल्दी से नाश्ता करते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा है मौसम, इसलिए ज़्यादा देर खाना यहाँ गर्म नहीं रह सकता। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं और दिखाते हैं आज आपको कि आंटी जी ने नाश्ते में क्या बनाया हमारे लिए। रात तो दाल चावल और आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी और रोटी आंटी जी ने हमारे लिए बनाई थी, और अभी चल रहे हैं। अब देखते हैं आज सुबह का नाश्ता आंटी जी ने क्या बनाया, तो लेट्स गो। चलिए, दो घंटा घूमोगे, जो ट्रैक रैक है बोल रहे हो? हाँ, वो उतना भी नहीं है, कमी है, ज्यादा नहीं होगा। घूम घाम के आप आना चाहो तो शाम को आ सकते हैं इधर। तो ये आ गई हमारी गर्म गर्म चाय, और साथ में है पराठे आलू के, जो कि हमारे भैया ने हमारे लिए बना के दिए। और यहाँ देखिए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, कोई गैस का यूज़ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लकड़ी से, जो हम पहले पुराने ज़माने में जैसे चूल्हा वगैरह जलता था वही उसी टाइप से जल रहा है। और इसका खाना इतना बेहतरीन होता है ना कि मतलब आप सोच लीजिए, आराम से खाना बनता है टाइम लेके, तो सारी चीज़ उसकी जो न्यूट्रिशन होते हैं खाने के, फूड के, वो प्रॉपर उसके साथ आपको खाने में मिलते हैं। जैसे अपने यहाँ आजकल गैस का
रूटीन है तो गैस में क्या होता है आधे मतलब दो एक दो सीटी में ही खाना आपका बन जाता है। वो थोड़ा सा अनहेल्थी होता है क्योंकि वो प्रॉपर बन नहीं पाता उसमें, बस खाली गैस की वजह से वो जल्दी मतलब उबल जाता है। बट उसमें सिलेंडर में तो ऑयल एलपीजी होती है तो वही तो नुकसान करती है एलपीजी गैस। नहीं नहीं जैसे जो हम तो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस क्योंकि अभी आगे जाना है, धारवा वैली भी आपको एक्सप्लोर करवानी है, आपको धारवा वैली भी दिखानी है। तो इट्स टाइम टू लीव एंड एक बार मेरे पीछे देख लीजिए, ये उर्थिंग जगह का नाम है यहाँ पे और बहुत ही प्यारा स्टे यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अफोर्डेबल है और खाना वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया यहाँ आपको मिलेगा। और बाकी तो आपको सुबह की ये चीज़, सुबह की पहली किरण तो आपको ऐसे यहाँ ज़रूर ही मिलेगी और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडा है लेकिन धूप जब ऊपर से धूप पड़ रही है ना तो बहुत ही प्यारा मौसम लगता है यहाँ पे। इन पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा क्या छोटा सा ही मानिए उर्थिंग में आपका स्वागत है, मतलब छोटा ही है ये बहुत। ओफो मतलब यहाँ आके एक अलग ही वाइब आती है यार। और अभी तो नज़ारे बहुत हैं आगे, जो हमने देखा है जो हमने सुना है धारवा वैली के बारे में, तो लेट्स सी क्या है आगे क्या क्या है। तो अभी आप ऊपर हो रहा सनराइज और नीचे नदी जा रही है। स्नो भी गिरी हुई है, मतलब आगे हमें हो सकता है स्नो मिले, तो बी रेडी गाइस। और एक बार फिर से उर्थिंग को करते हैं बाय बाय और चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो एक बार रूम को भी अपना करते हैं, एक बार रूम को भी करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं लौट के। और भैया जी आंटी जी ये रही जो हम आपको बता रहे थे, और भैया जी ठीक है भैया बिल्कुल अभी आ रहे हैं घूम के और फिर रुकते हैं यहीं पे। बाकी आंटी जी ने खाना बहुत बढ़िया बनाया, भैया ने बनाया था बेसिकली, तो आंटी ने जो थोड़ी हेल्प करी थी। तो ठीक है भैया मिलते हैं अब आपसे आके, तो चलो ठीक है फिर आंटी। भी ऑफ रोडिंग मत बिता लो, अगले बंदे की गांड फट जाए, मना ही कर दे आने से ब्लॉग भी ना देखे, कनाडा जाना ही नहीं है, देखो क्यों। हम लोग वहाँ से निकले, उसके बाद हमें बहुत सी खराब रोड मिली, अब थोड़ी जाके सही मिली है लेकिन ये भी थोड़ा उबड़ खाबड़ ही है। हमारी गाड़ी पता नहीं हिल क्यों रही है लेकिन आप अगर व्यू देखोगे ना तो आपको बहुत से व्यू मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे हवा के साथ, ठंडी ठंडी तगड़े पहाड़, इतने तगड़े पहाड़ आप लोगों ने कभी देखे तो होंगे नहीं। लद्दाख तो आप आराम से पहुंच जा सकते हैं लेकिन यहाँ आने के लिए आपको सच में गूदे की ज़रूरत है। और रात में जो हमारे साथ हुआ, हमारी नींदें उड़ गई थी आधी से ज़्यादा,
क्योंकि बारिश भी हो गई थी और खूब बहुत तेज हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या से क्या सामने देखिए देख सकते हैं ये देख अच्छे से देखिए कोई जल्दी नहीं है स्किप मत करना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ही एडवेंचर होने वाली है ये ट्रिप ये देखिए ऊपर से ग्लेशियर आ रहा है पिघल के इसको हम क्रॉस करते हुए मतलब वाटर क्रॉसिंग ये है टाटा की पावर और हम अपने टाटा टियागो में छोटे छोटे स्विमिंग पूल तो आपको मिलते रहेंगे चाहे तो डुबकी लगा सकते हैं करना नहीं है अच्छा भीगेगा बस आपका फाइनली दो दिन के सफ़र के बाद हम लोग आ चुके हैं धर्मा वैली में धर्मा वैली जो कि ये रही मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं दिखाता हूँ आपको सब धर्मा वैली है ये चेक करो गाइस मेरे पीछे वो बहुत ही प्यारा सा एक गांव बसा हुआ है यहाँ और अभी हम जा रहे हैं पंचचोली जो कि जहाँ पे दर्शन होते हैं पांच पांडवों के मतलब वहाँ पे पांच पहाड़ हैं जिनका नाम पांच पांडवों के नाम से यानी पंचचोली पहाड़ दिया गया है ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे पांचों पांडव का वास है जो महाभारत में पांडव थे पांचों पांडव वहाँ का वास है और मैं आपको ये भी बताऊँगा अगर जैसे अभी धुंध हो रही है पीछे मेरे देख लीजिए थोड़ा इतना क्लियर नहीं आ रहा है धुंध हो रही है अगर वहाँ पे अच्छे से मैं आपको बिना धुंध के दिखा पाया तो मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा पर्वत कौन सा मतलब पंचचोली में कौन जो पांच पांडव थे वो कौन कौन से हैं पहाड़ों के साइज़ के हिसाब से उनका नाम दिया गया है पंचचोली और भीम नकुल कौन से हैं और सहदेव और युधिष्ठिर वगैरह तो वो सब मैं दिखाऊंगा आपको बस दुआ कीजिए कि धुंध ना हो ज़्यादा और मेरे पीछे देखिए क्या नज़ारे हैं भाई अल्टीमेट ये हमारे रज्जो भाई हाँ भाई नितिन भाई कैसा लग रहा अरे एक नंबर मजा आ गया मजा जन्नत है बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई और चारों तरफ मेरे देखिए मैं एक वॉक अराउंड देता हूँ अपने 360 व्यू आपको अपने फोन से देता हूँ देखिए हाँ हाँ उड़ाएंगे अभी नहीं ऊपर नहीं उड़ेगा भाई ऊपर हवा बहुत तेज है होम स्टे वगैरह यहाँ पे ये बहुत सारे होम स्टे हैं यहाँ पे होम स्टे मिल सकते हैं आपको और ये देखिए ऊपर पहाड़ स्नो से घिरी हुई हमारा रेडी हो गया और भाई मुझे तो सबसे प्यारा ये चीज़ लग रही है आगे की भाई और एक हमारे छोटे से दोस्त यहाँ मिले हेलो हाय हाउ आर यू तो गाइस चलिए चलते हैं पंचचोली और आपको मैं दर्शन कराते हैं पांच पांडवों के
वो टावल है, वो ऊपर ट्रैक देख रहे हैं आप, उधर से हमें जाना है पीछे पहाड़ पे। मैंने नहीं पहने यार। तू तो है ये तो अच्छा आदमी, क्यों क्या क्यों पहनेगा और क्यों सुनेगा तू हमारा। अरे यार आराम से चलो ना। हमारा भाई असली पर्वतरोही, अगर कोई कहीं फंस जाए तो रेस्क्यू में हम नंबर दे देंगे आपको, इनसे कांटेक्ट करिएगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये देखो भाई यहाँ पे बच्चे, तू भी जाएगी पक, चल घर को। तो गाइस मैं नीचे आ गया हूँ, पूरा ऊपर नहीं गया हूँ अभी, वो लोग गए हैं ऊपर रजत और नितिन, क्योंकि मेरे जूते बार बार फिसल रहे थे बहुत ज़्यादा, और ऊपर में टोटल में स्नो है, स्नो ही है पूरा, स्नो से ही रास्ता पूरा ढका हुआ है, तो जो कि मुझे सेफ नहीं लगा जाना, रिक्स लेने से अच्छा है। और उन दोनों के जूते सही हैं, उन दोनों के जूते सही चल रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि स्नो में आप जूते निकाल के चल लोगे, जूते निकाल के चल लोगे अगर आपके अंदर दम है ठंड सहन करने का, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि जब आपका ठंड लगेगी पैरों से तो उससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। बाकी मेरे पीछे के नज़ारे आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन नज़ारे, और अभी ये लोग गए हैं ऊपर, अभी ये लोग गए हैं ऊपर पंचचौली की पूरी चढ़ाई के पर तरफ, मैं नीचे जा रहा हूँ यार, सॉरी गाइस मैं नहीं जा पाया क्योंकि सम रीजंस जूते मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, और ऊपर थोड़ा सांस भी मेरी फूल रही थी, जिस वजह से मैंने अपने आप को बैक ऑफ कर लिया वहाँ से। लेकिन अभी आपको पूरी वीडियो दिखेगी, पूरी वीडियो देखना, आपको दर्शन ज़रूर कराऊँगा मैं पंचचौली के, आपको अपने ब्लॉग में। मैं नहीं गया तो क्या हुआ, रजत और नितिन तो गए हैं, वो दोनों लोग आप वीडियो बना के ला रहे हैं, तो अब तो आप, मैं जा रहा हूँ नीचे, और तब तक आप एंजॉय कीजिए ये पंचचौली के बढ़िया से पहाड़ और बढ़िया सा दृश्य यहाँ का। कभी आना हो इधर आपका तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा, या आपसे गुजारिश करूँगा कि आप गर्मियों में आएँ, मतलब गर्मी तो चली रही है फ़िलहाल, मई के आसपास आएँ, तब तक ये स्नो भी शायद मेल्ट हो जाएगी और रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं
छः सात लोग हैं तब भी आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हिम्मत बनी रहती है। अब दो लोग वो और हम तीन लोग थे केवल, तो ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं नीचे आ गया। बाकी नज़ारे तो बहुत बढ़िया, और मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा इस चीज़ को, लेकिन कोई नहीं, जैसे आप वीडियो में देखेंगे वैसे मैं भी देख लूँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, बिल्कुल वहीं गाड़ी पे अपनी वहीं बैठूँगा, वीडियो बनाऊँगा थोड़े। देखते हैं ड्रोन वगैरह का, पूछते हैं अगर ड्रोन वगैरह अलाउड है यहाँ पे तो ड्रोन की फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। बाकी नज़ारे तो बेहतरीन नहीं है। मेरे पीछे देख लीजिए आप, तो इतनी हरियाली, इतना प्यारा मौसम। तो सामने देख लीजिए ये पूरा ग्लेशियर, यहाँ आपको भालू वगैरह भी मिल सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम लेट आए आप, तो भालू वगैरह मिल सकते हैं। बाकी तो चलते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो गाइस, यहाँ से हमारे हॉक्स राइडर ने थोड़ा हार मान ली, उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी हो गई थी, इसलिए वो वापस लौट गए। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा आपके लिए। तो गाइस, हम 2 किलोमीटर का ट्रैक करके, बहुत ही हार्ड ट्रैक था, बिना सपोर्ट के या बिना ट्रैकिंग शूज़ वगैरह के या पूरी किट के आप नहीं ट्रैक कर सकते यहाँ पर, क्योंकि बर्फ़ जो है यहाँ की बहुत फिसलने वाली बर्फ़ है। और मैं खुद यहाँ पर इतनी उससे टेक्निक लगा के क्लाइम करके आ रखा हूँ। और हमसे आगे हमारे डांगी जी चल रहे हैं, वो तो कतई गोली बन रखे हैं। बस हम आगे बेस कैंप पे, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो हम बेस कैंप में पहुँचने ही वाले हैं। बस हमारा बेस कैंप आ गया, 100 मीटर की दूरी पे था हमारा बेस कैंप, और हम आपको यहाँ से आप पूरा नज़ारा अभी दिखाते हैं। ये रहा हमारा, हम जहाँ बेस कैंप है वहाँ पर पहुँचे हैं, और ये रहा खूबसूरत नज़ारा, आप देख सकते हैं इतना शानदार नज़ारा। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको भी ये नज़ारा देखने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। किधर से आया नानू? यहाँ से। तो गाइस, जैसे कि ये कौन सी जगह थी, पंचाचुली जो जगह है बेस कैंप, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये हमारे नानू भाई, और जैसे कि ये जो हमारा कुछ 5 पांडवों के लिए फेमस है, जिन्होंने यहाँ पर मोक्ष के लिए आई थिंक तपस्या कर रखी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ, ये 1 2 3
एंड वो फोर बीच में आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फॉग टाइप का है, क्लाउड्स हैं इस वजह से। और आपका ये जो रहा फाइव, ये पांच पांडवों के स्तंभ हैं, मतलब यहाँ तपस्या करी थी उन लोगों ने। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, पूरी बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। ये वो आ रहे हैं हमारे दोनों नमूने, और आप सही से देख पा रहे हैं, और जूम करता हूँ, देखो नाचते हुए आ रहे हैं दोनों के दोनों। टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। दो बज गए, एक बजे निकलने का था यहाँ से, लेकिन अभी तक दो बजा दिए बिल्कुल। थोड़ा सा डर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। क्यों भैया? ये भैया यहीं यहाँ पे रहते हैं, ये इनका कॉटेज है, छोटा सा बना हुआ, पंचाचूली दुक्तू दुक्तू है ये जगह। यहाँ पे आपको सब रहने के लिए, खाने पीने के लिए भैया अवेलेबल करवा देंगे। ये रहा इनका, कभी आएँ आप तो यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। और मेरी माने तो रात में आएँ यहाँ रुकें, दिन में ऊपर ट्रैक करें और दोपहर में आराम से निकल जाएं। दिन दिन में दहाड़चूला वापस हो लें ताकि रास्ते में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस पेट पूजा करने के बाद अब ये टाइम आ चुका है कि हम दुगदुग गांव को टाटा बाय बाय बोलें। क्यों भाई? बाय बाय। और ये रहा हमारे पीछे ये पूरा दुगदुग गांव, जो कि इस टाइम पे अभी नहीं है ओपन, मतलब ओपन का इन द सेंस कि यहाँ पे अभी लोग नहीं है इस गांव के, क्योंकि हमारे जो ये भैया हैं वो भी अभी कल दो दिन पहले ही आए हैं यहाँ पे। जितने भी गांव वाले हैं वो आते हैं आपका मई में, और 15 मई के बाद ही सब लोग आते हैं यहाँ पे। बस अभी भैया और भैया भी अभी बता रहे थे, मैं भी मतलब दो दिन ही हुए हैं आए हुए यहाँ पे, तो बस 3 तारीख को पहुँचे। हाँ भैया 3 तारीख को पहुँचे हैं यहाँ पे, और नाश्ता वगैरह हमने किया है बहुत बढ़िया, और चाय भी बहुत बढ़िया बनाई भैया ने। बाकी तो आप चेक करिए, यहाँ पे मैंने आपको सारा बता ही दिया है यहाँ के बारे में। और पंचकुली के लिए भी आप आराम से आ सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन बस जो गलती मैंने करी वो आप मत करना, थोड़ा अपना शूज़ सही से लेके आना, शूज़ सही वाले लेके आना ताकि आप ऊपर तक जा सको। मेरे शूज़ वहाँ पर बहुत स्किड हो रहे थे, जिस वजह से मैंने इसको अपने आप मतलब मैं नीचे आ गया। फालतू में कैजुअलिटी बढ़ाना या कोई प्रॉब्लम हो उससे अच्छा है कि मतलब सेफ्टी से रहिए हमेशा, खुद को ज़्यादा होशियार ना समझें, क्योंकि कुदरत तो कुदरत है। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। सही बात भाई, है भाई था बूट में, भाई ये बूट में था, भाई तो पहुंच गया ऊपर, और उसके भी सही शूज थे, लेकिन मेरे शूज कुछ ऐसे थे बहुत नम्मा। तो बस यही है, और अब चल रहे हैं नीचे के लिए। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ढाचूला लुके, और अगर टाइम से निकल गए ज़्यादा आगे तो सीधे पिथौरागढ़ स्टे करेंगे फिर, और फिर से वही जिंदगी। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भैया यहाँ पे मिलेंगे आपको जब भी आप लोग यहाँ आएंगे घूमने। हाँ ये है भैया का कार्ड, तो आप इस नंबर पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कब खुला है और कब हम आ सकते हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो यहाँ के बारे में तो ये भैया का है। यहाँ पे होम स्टे भी आपको मिल जाएगा, ये रहा होम स्टे, ऊपर आप रुक सकते हैं। बाकी कुछ टाइम बाद मतलब हाफ ऑफ मई के बाद यहाँ सब लोग आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अभी गांव पूरा बंद है, केवल भैया ही आए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं फिर, एंड thank you.